तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक चैलेंज और रखा जाए गाइस। तो यहाँ है क्या? वाह यार जन्नत है यार, ये वास्तव में जन्नत है। गुड मॉर्निंग गाइस। वाह हिमालय कितना प्यारा सा, अरे सूर्योदय हो रहा है, तो चलो यार वहां चलते हैं जहां पे सूर्योदय हो रहा है। पूरा हिमालय की रेंज से देखने को मिलती है अभी तो, लेकिन बाद में तो फिर सब धुंध पड़ जाती है। देखो क्या क्या खूबसूरत सा नजारा है, वाह क्या दृश्य है। आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह से सूर्य भगवान को उगते हुए देखा है, वाओ। तो गाइस देख सकते हैं आप, बिल्कुल हिमालय से सूर्योदय हो रहे हैं। इसी सुंदरता के साथ आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद फिर नीचे पानी लेने के लिए जाना है। नए दिन की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। और इस निर्जन पहाड़ी में भी धूप आ चुकी है, जहाँ पर मैंने टेंट लगाया था पूरी तरह से धूप आ चुकी है टेंट एरिया में। और मैं पानी भी ले आया एक केन भर करके, और देखो कल शाम के ना बर्तन भी धोने ही हैं। और ये हमने तवा बनाया था, आपको पता ही है कल तो नाइट पूरा अंधेरा हो गया था यार। ये देखो अभी थोड़ा बहुत दाल भी बची हुई है, इसको चलो अभी देखते हैं आग जलाते हैं। लेकिन उससे भी पहले धूप आ रखी है ना, देखो यार बर्तन ऐसे ही करके पड़े हैं बर्तन धोने, धूप आ रखी है। मैं सोच रहा हूँ पहले सोलर पैनल को चार्जिंग में लगा दिया जाए। धूप कितना मस्त लग रहा है ना, वाह दिल खुश हो गया, कैंपिंग साकार है। अब पहले आग जलाते हैं और उसके बाद फिर बर्तन धोते हैं। सारे बर्तन धुल चुके हैं और आग भी जल रही है। अब दिन के आज भोजन में खिचड़ी बनाऊं, दाल बहुत, चलो दाल चावल ही बनाते हैं। तो इसमें ऐसा करते हैं थोड़ा दाल भिगा देते हैं, एक डाल देते हैं बस। कोयले हो रखे हैं मैंने, कोयले में दाल भिगोने के लिए डाल दिया, हल्का हल्का भीगती रहेगी और धीरे धीरे उबल जाएगी। अब एक काम करते हैं अंदर जो बिस्तर है ना, इस बिस्तर को डाल देते हैं यहाँ बाहर, ये ऐसे। काफ़ी देर हो गई है, और देर ही नहीं मतलब भूख भी लग रही है। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना खाना खा लिया जाए, अब दाल बन गई होगी, अभी दाल को चेक करते हैं। खाना खाने के बाद आज मैं आपको उधर उस वाले पहाड़ जहाँ शमशान घाट है वहाँ तक, और यहाँ से जहाँ से टिहरी श्रीनगर पौड़ी सब कुछ दिखता है वहाँ तक, मतलब पूरे पहाड़ की सैर कराऊंगा। लेकिन उससे पहले यार पेट पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं, लकड़ियाँ तो सारी जल गई हैं, दाल पक गई है, अब इसमें मसाला डालते हैं और उसके बाद चावल चढ़ाते हैं। मिर्ची भी डायरेक्ट डालनी पड़ रही है, नहीं तो मसाला बनाता बढ़िया तरीके से, सभी कुछ पड़ता है इसमें, अब कुछ नहीं पड़ रहा है, खाली मिर्च और नमक। नमक ये ये बड़ी जल्दी से बंद। खाना बनने का करते हैं इंतजार, और उसके बाद फिर चलेंगे हम आज घूमने। और क्या मजा आ रहा है यार, एक खूबसूरत हिमालय देखने का तो मन ऐसा कर रहा है, मतलब क्या करूं, देखते रह जाऊं देखते निहारते रह जाऊं। अब कुछ दिन तो खैर हिमालय ही देख रहा हूं, और अभी देखो कब तक देखने को मिलता है। वाह भोजन भी कर लिया है और पानी भी खत्म हो गया है, अभी खाना खा रखा है, अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूं, जो यहां से प्यारा प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है।
सबसे पहले चलते हैं शमशान घाट की ओर। शमशान घाट है उस साइड पे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे ना, इस निर्जन सी पहाड़ी में अकेला भाई घूम रहा है यार। मैं सबसे पहले बता दूं ना, मुझे डर वर तो खैर कुछ नहीं लगता, और ऊपर से मैं अकेला भी हूँ, और ऊपर से मैं सारी सुविधाओं से लैस हूँ। अब वो सुविधाएं मेरे पास क्या क्या अवेलेबल हैं, जब मैं यहाँ से रिटर्न जाऊँगा ना वापस कैंपिंग छोड़ करके, तो उस समय आपको बताऊँगा मेरे पास क्या क्या सुविधाएं हैं। पिस्तल है क्या, चाकू है क्या, है क्या नहीं है। और साथ में मैं ना भूत प्रेत दूसरा तीसरा इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि यार एक वास्तव में होता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होता है, यहाँ लगता भी है भैया देवभूमि है, क्योंकि यार वो एक इंसान की आत्मा होती है जिसे शांति मतलब मोक्ष नहीं मिल रहा होता है, वो भटक रही होती है, मतलब उसी की मतलब हलचलें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, मतलब वही चीज़ रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं। उसको ज़्यादा डीपली सोचने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। खैर आइए फिर निकल पड़ते हैं। तो मैं पहुँचने वाला हूँ शमशान घाट की साइड में, वहाँ पर अच्छा खासा व्यू दिखेगा ना, वहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे। और वहाँ से आ गया हूँ मैं, कितना प्यारा सा लग रहा है ना, यहाँ से बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है। वाओ ये देखो गाइस, और सामने रहा आपका गौचर, ये रहा गौचर, तो पूरा गौचर का व्यू देखने को मिल रहा है। और ये देख सकते हैं आप हिमालयाज के साथ साथ, वाओ बड़ा मस्त लग रहा है यार यहाँ से। और यहाँ से पहाड़ों की अनगिनत श्रृंखलाएं देखने को मिल रही हैं। वहाँ शमशान घाट तक क्या जाना, अब यहाँ से पूरा व्यू अगर देखने को मिल गया है तो वाह गदर गदर गदर, बड़ा मस्त लग रहा है इधर, वाह सुपर। अब चलते हैं सामने जहाँ टेंट लगा रखा है ना, उसके पल्ली साइड। दिखता तो यहाँ से भी अच्छा व्यू है, पर वहाँ से और अच्छा व्यू देखने को मिल रहा था, पर वो एकदम से शमशान घाट के नजदीक हो गया था, नहीं तो मैं वहीं पर कैंपिंग कर लेता, क्योंकि गांव वालों ने बोला था यहीं गांव के सामने ही कैंपिंग करना। यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक चैलेंज जो 24 आवर का करा था वो तो कंप्लीट पूरा हो गया, 24 आवर कहाँ, और भी ज़्यादा आवर्स हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक चैलेंज और रखा जाए गाइस। जैसे गाँव वाले कह रहे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूत प्रेत चलते हैं इस रास्ते, यहीं इसी रास्ते की बात कर रहे थे, और ऊपर से कह रहे थे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर। खैर जंगली जानवर की आवाज़ तो खैर मैं दो दिन से मतलब लगातार सुन ही रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पे। दो नाइट हो चुकी हैं, ये आज तीसरी नाइट होगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज इस पेड़ में चढ़ करके पूरी रात भर देखा जाए कितने सारे जंगली जानवर यहाँ से जाते हैं और कैसे भूत प्रेत यहाँ पे मिलते हैं, ये सही रहेगा। और देखते हैं मैं यहाँ पर कितने आवर तक रहता हूँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। मतलब देखो आप जितने दिन रहूँगा उतने मल्टीप्लाई 24, तो इतने दिन इतने आवर तो हो जाएंगे, लेकिन आज रात मैं रहूँगा इस वाले पेड़ में। इस वाले पेड़ में चैलेंज रहेगा 12 घंटे रहने का, 24 आवर वाला तो हो चुका है, 12 घंटे चीड़ के पेड़ नहीं यार इसमें नहीं, ये एकदम खुला है, इस वाले पेड़ में इस आज रात इस वाले पेड़ में 12 घंटे बैठने का ये चैलेंज रहेगा। तो फाइनली तो ये चैलेंज कम्प्लीटली इसको भी पूरा करेंगे, देखते हैं आखिर है तो यहाँ है क्या। बिल्कुल भैया सच्चाई बताएंगे हम आपको लौटते समय यहाँ की सारी, ताकि आप जब भी यहाँ पर आएँ कैंपिंग कर सकें या ना कर सकें वो सब कुछ बताएंगे। अब चलते हैं आगे जहाँ से टिहरी और पौड़ी देखने को मिलता है। ये क्या, यहाँ तो तारवाड़ हो रखा है, चलो साइड से चलते हैं यहाँ से, और नीचे एकदम से खाई है। अरे भैया कितना खतरनाक दिख रहा है यहाँ से, बहुत प्यारा दिख रहा है यहाँ से भी। यहाँ पे रुकते हैं, वाह फीलिंग लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम। टाइम भी काफी हो चला है यार, 4 बजने को जा रहा है, पता ही नहीं चला टाइम का। बहुत पीसफुल मजा आ रहा है, वाह यार वाह, नेचर के जो खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ना, वाह यार जन्नत है यार, ये वास्तव में जन्नत है भैया जन्नत। सब जगह घूमने के बाद वापस आ चुका हूँ, शाम के लगभग 4:30 हो चुका है, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे अभी पहाड़ों से भी धूप निकल चुकी है, देखिए हिमालय में है बस हो गया, और सभी जगह धूप जा चुकी है, ये आप देखिए। तो इसी समय का था मुझे इंतजार, और धूप कब निकली और कब शाम हो गई, कब ठंड आ गई, कब मैंने जैकेट डाली कुछ पता ही नहीं चला। खैर
आज तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होने वाला है शाम को। सारा मैंने पूरा सामान देखो अंदर कर दिया है, क्योंकि आज शाम को मैं करने वाला हूँ रात भर यहाँ पर पहरेदारी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पेड़ में, इस वाले पेड़ में। तो आज का ब्लॉग तो बिल्कुल खतरनाक का होने वाला है रात को। खैर, इसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, साथ में सूर्यास्त पूरी तरह से हो चुका है, पहाड़ों में लालिमा देखने को मिल रही है, कुछ शाम का नज़ारा इस तरह से है। वाले ब्लॉग को तो करते हैं यहीं पर एंड। तो अब जो इसके बाद की प्रोसेस होने वाली है वो पार्ट टू में देखिएगा, क्योंकि मैं इसको अलग अलग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक साथ इंक्लूड करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज जो रात भर होने वाला है यहाँ पे खतरनाक और घमासान भूत प्रेत इत्यादि जंगली जानवरों के साथ, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप गाइस आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हुआ, यदि ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे एक और नाइट वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।